जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी के लिए इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से साल 2023 की बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डाक विभाग की तरफ से आ चुकी 13,183 पदों पर नई भर्तियों के नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पे आप सभी के लिए ABPM, BPM और इंस्पेक्टर मेल ओवरसीज और यहाँ पे आपको PA यानी पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट पर भर्तियों के नोटिफिकेशन और आवेदन करने के लिए ऑनलाइन लिंक भी देखने को मिलने वाले हैं। आगे इस वीडियो में नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहां पे बातें बताना चाहूंगा जिसके बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। अभी से कुछ ही टाइम पहले JDS के महासचिव SS महादेवा ने एक वीडियो पोस्ट करी है, जिसको आगे हम आपको दिखाएंगे। उसके अंदर उन्होंने इस नई वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी शेयर करी है और हमारे पास कंप्लीट नोटिफिकेशन भी आ चुका है, जिसको डाउनलोड करने का लिंक आपको fastjob.co.com पे मिलने वाला है। आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पे आपको 5 तरह की पोस्टें मिलेंगी, ABPM यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर, BPM यानी ब्रांच पोस्टमास्टर और इंस्पेक्टर, साथ में मेल ओवरसीर और यहाँ पे आपको एक और पोस्ट मिलेगी जिसका नाम है PA यानी पोस्टल असिस्टेंट। अलग अलग क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट आवेदन करेंगे, 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएशन पास वाले, और यहाँ पे भी आपका बिना किसी एग्जाम के केवल और केवल मेरिट के आधार पर चयन होने वाला है। तो दोस्तों, अगर किसी वजह से आपका चयन इस बार JDS की परीक्षा में नहीं हो पा रहा है हाई कट ऑफ या गलत फॉर्म फिलअप की वजह के कारण, तो आप लोग इस न्यू वैकेंसी के अंदर आवेदन करके जॉब पा सकते हैं। इसमें भी आवेदन करना काफ़ी आसान है, कंप्लीट जानकारी आपके साथ में शेयर करेंगे। सबसे पहले वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, अगर पसंद आए तो लाइक करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। आइए नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं, उसके बाद आपको कंप्लीट जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहां पे देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस न्यू वैकेंसी है और यहां पे fastjob.co.com की वेबसाइट पे आपको अपडेट मिलेगा। आपको गूगल पे जाना है, टाइप करना है fastjob.co.com, आपको वेबसाइट मिलेगी और सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं हाल ही का नोटिफिकेशन है, डेट है 24/3/2023 यानी 24 मार्च के दिन यह नोटिफिकेशन आउट किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और डाक भवन संसद मार्ग न्यू दिल्ली की तरफ से आउट किया गया है। इसका मेन रीजन आपको बता दें, जैसे कि आपके मन में डाउट होगा कि 40,889 पदों पर ऑलरेडी JDS की भर्तियां चल रही हैं, तो फिर ये वैकेंसी आउट क्यों करी जा रही। हालांकि इसमें अलग अलग पोस्टें दी गई हैं, जैसे मेल ओवरसीर की हो गई, इंस्पेक्टर की हो गई, पोस्टल असिस्टेंट की हो गई। मेन मकसद ये है कि 5 किलोमीटर यानी 5 किलोमीटर के एरिया में एक जो है तो डाक विभाग का ऑफिस बनाया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी जो वहाँ के निवासी हैं उनको मदद होगी। ऑनलाइन वो लोग खाता खुलवा सकते हैं, सरकार की सभी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, पैसे का लेन देन कर सकते हैं, योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इसीलिए ये जो है तो न्यू वैकेंसी आउट करी गई है। सब्जेक्ट भी यही है, प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटी विद इन 5 किलोमीटर ऑफ ऑल विलेज इन द कंट्री, क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट रिकॉर्डिंग। यानी इनका मेन मकसद यही है कि हर गांव में 5-5 किलोमीटर के एरिया में एक एक पोस्ट ऑफिस जो है तो क्रिएट करनी है, बनानी है। लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ में जो बैंकिंग फैसिलिटी है, बैंक का काम अभी लोग नहीं कर पाते हैं गांव में रहने की वजह से, उनको उसका फ़ायदा मिलेगा और सरकार की सारी सेवाओं का लाभ ले पाएंगे। इसके अंदर इन्होंने सेकेंड नंबर पॉइंट पर मैंशन किया है कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पर अप्रूव्ड करी गई है। देख सकते हैं अप्रूवल ऑफ दी कंपोनेंट अथॉरिटी इज़ हेयर बाई, और इसके बाद यहाँ पर देखें मेन जो है तो 5,746 न्यू पोस्ट ऑफ JDS BPM यानी ग्रामीण डाक सेवक की ब्रांच पोस्टमास्टर की 5,746 भर्तियां, 7,082 न्यू पोस्ट ऑफ JDS ABPM यानी 7,082 जो है तो ग्रामीण डाक सेवक की असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर की पोस्ट पर, 275 न्यू पोस्ट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट जिसको आप लोग शॉर्ट में PA बोलते हैं, उसकी 275 पोस्टें हैं, 60 न्यू पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, 60 वैकेंसी जो है तो 60 इंस्पेक्टर की, और 120 न्यू पोस्ट ऑफ मेल ओवरसीर यानी 120 जो पोस्टें हैं वो मेल ओवरसीर की होने वाली हैं। इसके अलावा इन कनेक्शन विद ओपनिंग ऑफ 5,746 न्यू BOS
यानी 5,746 जो है तो यहाँ पे न्यू BS ओपन करने के लिए जो है तो बैंकिंग फैसिलिटी 5 किलोमीटर में हर गांव में जो है तो प्रोवाइड कराना है इंडिया के, इसीलिए ये वैकेंसी निकाली जा रही। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें बताई गई हैं। आपके मन में डाउट होगा कि हमको जो है तो स्टेट वाइज, सर्कल वाइज या कैटेगरी वाइज वैकेंसी बताइए, तो चलिए इसको भी देखते हैं, कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर कॉपी फॉर इन्फॉर्मेशन टू इसको देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन का लिंक आपको fastjob.co.com ध्यान रखिएगा, गूगल पे टाइप करना है .co.com फास्ट जॉब के बाद जरूर लगाइएगा। यहाँ पे आते हैं, देख सकते हैं सर्कल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सेंसन्ड पोस्ट इन कनेक्शन विथ ओपनिंग ऑफ 5,746 न्यू BOs फॉर प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटी विथ इन 5 किलोमीटर ऑफ ऑल विलेज ऑफ द कंट्री। यानी कि भारत के अंदर, देश के अंदर हर गांव में 5 किलोमीटर में एक BO ऑफिस बनाना है, ब्रांच ऑफिस, और यहां पे 5,746 नए ब्रांच ऑफिस के लिए 13,183 कैंडिडेट की ज़रूरत इनको पड़ेगी। आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। हालांकि जैसे कि आपके मन में डाउट होगा, दो डाउट होंगे, पहला तो ये होगा क्या जो है तो इसमें फ्रेश कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल, आपके मन का डाउट दूर कर देते हैं। जो ABPM या BPM की पोस्ट होती है वो तो ग्राउंड लेवल की यानी स्टार्टिंग फेज की है, अगर इस पे भर्तियां आ रही हैं तो मान लीजिए फ्रेश कैंडिडेट को मौका मिलेगा। एक बार अपर लेवल की पोस्ट होती, पोस्टमैन, मेल गार्ड या MTS वगैरह की, तो मानते कि प्रमोशन कैंडिडेट ही ज्वाइन करेंगे, लेकिन एक ग्राउंड लेवल की पोस्ट है तो इसमें तो पहले ही लोग JDS में ज्वाइन हो जाते हैं, ABPM BPM में, तो इनके लिए वैकेंसी ही आप मान के चलेंगे, और इसके लिए कोई भी एग्जाम का प्रावधान नहीं है और छोटा बजट होता है पोस्ट ऑफिस का, ये एग्जाम ऑर्गेनाइज भी नहीं करा सकते, केवल और केवल मेरिट के बेस पे आप सभी का चयन होगा इस बार भी। चलिए आइए देखते हैं यहां पे क्या बताया गया है। सीरियल नंबर है, नेम ऑफ द स्टेट है UT है, नंबर ऑफ न्यूली सेंसन्ड पोस्ट ऑफ JDS BPM है, नंबर ऑफ न्यूली सेंसन्ड पोस्ट ऑफ JDS ABPM है, नंबर ऑफ न्यूली सेंसन्ड पोस्ट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट PA है, नंबर ऑफ न्यूली सेंसन्ड पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर है, और यहां मेल ओवरसीर है। इसके बाद यहां पे देखें, आप लोग यहां पे देख लीजिएगा कौन से स्टेट के अंदर कितनी वैकेंसी है। मैं राज्यों का नाम आपको बता देता हूं, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन दीव, हरियाणा, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, और इसके अलावा नीचे आएंगे तो आपको नॉर्थ ईस्ट मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, उड़ीसा, और यहाँ पे साथ में पंजाब, और इसके अलावा राजस्थान। यहाँ से अगर आप लोग और नीचे आएंगे तो आपको राजस्थान के बाद देखने को मिलेगा तमिलनाडु, पांडुचेरी, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार, सिक्किम। इस तरह से टोटल जो यहाँ पे वैकेंसी है, मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ, BPM, ABPM, PA, इंस्पेक्टर और मेल ओवरसीर की। तो अगर आप लोग काउंट करेंगे तो देख सकते हैं 5,700 जो है तो यहाँ पे 46 BPM, ABPM की 7,082, 275 यहाँ पे आपको इंस्पेक्टर की, 60 और 120 यहाँ पे आपको मेल ओवरसीर की, और साथ में यहाँ पे पोस्टल असिस्टेंट यानी PA की मिल जाएंगी। ये कंप्लीट नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा एक जानकारी दिखा दूं। देख सकते हैं JDS के जो महासचिव हैं SS महादेवा हैं, उन्होंने ये जानकारी शेयर करी है, और इसके अंदर उन्होंने बताया है कि ये जो न्यू वैकेंसी है वो कब तक में रिलीज़ होगी, कब तक में आवेदन होंगे, इसके बारे में आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उसको देखिएगा। देख सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं डाक विभाग नई भर्ती के बारे में, 13,183 पोस्टें हैं, एग्ज़ाम इस बार भी नहीं होगा, BPM, ABPM, PA, इंस्पेक्टर, मेल ओवरसीर की वैकेंसी है, महिला पुरुष ऑल इंडिया लेवल पर आवेदन करेंगे, 18 से 30 साल की एज है, और 10th पास फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल होंगे आवेदन करने के लिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, और आगे आने वाली वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि अधिक जानकारी के लिए गूगल पे जाके fastjob.co.com आपको टाइप करना है, फास्ट जॉब के बाद आपको .co.com लगाना है, आप लोग इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, आप ही के लिए अपडेट किया गया है, इंडियाज नंबर वन जॉब अपडेट पोर्टल है, और सबसे ज़्यादा फास्ट आपको अपडेट यहाँ पे मिलती है। अगर आपने व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। यहाँ से अगर आप लोग नीचे आते हैं तो देख सकते हैं यहाँ भी अपडेट मिल जाएगा, और लेटेस्ट जॉब के सेक्शन पर भी आपको आज का ताज़ा अपडेट मिल जाएगा। आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे एक नए पेज पर आएंगे,
पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2023 है, यहाँ से आप लोग स्क्रॉल करेंगे देख सकते हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट भारतीय डाक विभाग में बम्पर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू होने वाले हैं। नोटिफिकेशन आपको पीडीएफ में डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे आपको बीपीएम एबीपीएम पीए यानी पोस्टल असिस्टेंट और साथ में इंस्पेक्टर के साथ मेल ओवरसीयर की पोस्टें देखने को मिलेंगी। टोटल आपको 13,183 वैकेंसी मिलेंगी। अधिक जानकारी के लिए जैसे यहाँ से आप लोग नीचे आएंगे तो आपको इम्पोर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हिंदी में भी आपको जानकारी देखने का लिंक मिलेगा, अप्लाई का डाउनलोड नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट। कोई भी डाउट होता है कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी